माँ बंगलामुखी जी के सिद्ध स्थान माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में संपूर्ण फलदायी अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में हुए इस हवन यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा आए हुए सभी माँ भक्तों से नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु का संदेश किसी एक वर्ण पंथ मजहब के लिए ना होकर समस्त संसार के प्राणियों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान गुरु के बताए मार्ग पर कर्म रूप से चलना शुरू कर दे तो वही इंसान सुखी होता है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि अक्सर इंसान परमात्मा को पहाड़ों मंदिरों धार्मिक स्थानों जंगलों में ढूंढता फिर रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जो ऐसे परमात्मा के दर्शन करवाए जो ना जन्मे ना मरे जो युगों युगों से हो जिसको कोई बनाने वाला नहीं है जो कण कण में व्यापक है इसके ज्ञान को धार्मिक ग्रंथों से मिलाकर भी देखो अगर पूरा निकले तो समझ लेना कि वही सतगुरु पूरा है। अगर ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो समझो कि गुरु अधूरा है फिर अन्य गुरु की भाल करो। इस अवसर पर श्री कंठ जज श्वेता भारद्वाज मनमोहन भट्टी वैशाली अमरजीत सिंह मुनीश शर्मा अमरेंद्र कुमार शर्मा मनीष कुमार अमित कुमार सरोज कुमार राकेश प्रभाकर पूनम प्रभाकर सौरभ अरोड़ा भानु मल्होत्रा अभिलक्ष्य चुग संजीव शर्मा दिशांत शर्मा अश्विनी शर्मा करण भार्गव मनजीत सिंह डॉक्टर गुप्ता बाबा खन्ना केविन शर्मा पप्पू चौधरी अशोक शर्मा प्रिंस विक्रम शर्मा राकेश ठाकुर बलदेव सिंह दीपक उदय सौरभ मल्होत्रा मानव शर्मा अजीत कुमार रिंकू सैनी राहुल धीर गौरी शर्मा रोहित सिद्धू नवदीप प्रदीप शर्मा सुनील चक्की सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि माँ पीताम्बरा का प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान है गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौंक के नज़दीक माँ के भव्य मंदिर के अज मासिक संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिस दूरों दूरों आईया संगत ने कोई पठानकोट तो है दसूए तो है दूरों दूरों संगत है कोई हिमाचल तो आए है हरियाणे तो आई है संगत बड़ी बड़ी दूरों किदा किदा नाम लईए किदा किदा ना लईए महामाई की संगत सवेर तो ही हवन यज्ञ च शामिल हुई है और आके हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां अपने अपने जिहड़े भाव है माँ के चरणा च रखे है। महामाई के मूहरे यही अरदास बेनती है कि जगदम्बा सारिया दीआं भावनावां जिसकी जिहड़ी भावना नाल आया उत्ते कृपा करो और अपना मेहर भरिया हथ रखो। माँ बगलामुखी धाम हर वीरवार नूं निःशुल्क सवेरे 6 to 8 हवन यज्ञ का आयोजन करता है ऐदा ही हर शनिवार को भी शाम को 7 to 8 एक हवन यज्ञ का आयोजन होंदा। ये सारे हवनों का एक संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ जिहड़ा अज होया वह संपूर्ण होया। मैं समूह संगत को धन्यवाद कहना जिन्हों का पूरा सहयोग और पूरा जिहड़ा सानू साथ मिलता सारे वैब पोर्टलों का न्यूज़ चैनलों का प्रिंट मीडिया का मैं बहुत तहे दिलों आभारी हाँ कि जिन्होंने पूर्ण रूप च मंदिर पर नूं जिहड़ा सहयोग दिता है और लगातार जिहड़ी मंदिर की कवरेज है वह करता रहिंदा है। मैं बहुत धन्यवादी हाँ समूह सारे सेवादारां दा और सेवादारां वल्लों आई हुई संगत दा। इस तरह ही महामाई सारे सेवादारां नूं अपना मेहर भरिया हथ दे और शरीरक निरोगता दे। जय माँ बगलामुखी जी। जय माँ बगला।